हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पिंकी किचन में। आज अगर आपको कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा हो तो ब्रेड और प्याज से बनी हुई इस यूनिक रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 4 प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ के प्याज है। इसका हम छिलका निकाल लिए हैं और इसको अच्छे से धुल लिए हैं। और अब हम इसमें से एक प्याज को लेंगे और इसको इस तरह से इसके बीच से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसके सेंटर से हम कट कर लिए हैं और इसी तरह से हम चारों प्याज को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हम चारों प्याज को कट कर लिए हैं। और अब हम इसमें से एक लेंगे प्याज के पीस और इसका जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से कट करके हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं। और अब हम इसके जो पीसेस है इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से प्याज के सारे पीसेस को एक एक करके निकाल लेना है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं, इसी तरह से हम सारे इसके पीसेस को निकाल कर अलग एक प्लेट में रख लिए हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका पीसेस अलग हो गया है। और यहाँ प्याज के छोटे छोटे पार्ट जो अंदर वाला बच गया था, इसको हम बारीक कट करके ले लेंगे। और अब हम चलते हैं गैस के तरफ। तो यहाँ गैस पर हम एक पैन रख दिए हैं और पैन को गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। और तेल को गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 1/2 छोटा चम्मच सरसों। यहाँ पर हम काला वाला सरसों लिए, आप चाहे तो पीला वाला भी सरसों ले सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और 1 चम्मच अदरक और लहसुन ग्रेट किया हुआ, इसको यानी कि हम कद्दूकस कर लिए थे। तो अब इन सबको हम चलाते हुए थोड़ा सा पका लेंगे, यानी कि कच्चापन जाने तक। तो इसे हम 30 सेकेंड तक पका लिए हैं। और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, जो अंदर वाली प्याज जो छोटे छोटे पीसेस में बचा था ना, उसे हम बारीक कट करके ले लिए थे। और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर में प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे आलू। तो यहाँ पर हम 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसे हम हाथों से मैश करके इस तरह से डाल देंगे। इसे ग्रेटर से ग्रेट करके डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से इसे मैश करके डाल सकते हैं। और अब इसको हम एक बार अच्छे से इस तरह से चला लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में यहाँ पर हम ले लिए हैं 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, यानी कि ब्लैक पेपर। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। और साथ में ही हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला के जगह पर आप अमचूर्ण पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। और अब हम इसको चलाते हुए इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो इसे इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए चलाना है, ताकि आलू भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और मसाला भी आलू के अंदर तक चला जाएगा। तो इसी तरह से इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम 2 मिनट तक पका लिए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता। धनिया पत्ता खूब सारा डालिएगा, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। तो धनिया पत्ता डालने के बाद इसे हम 30 सेकेंड तक और चलाते हुए पका लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा चटपटा सा स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब हम गैस के फ्लेम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार कर एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर ले लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन। और साथ में ही इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप चावल का आटा। चावल के आटा से नाश्ता बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नाश्ते में और ये पाचन के लिए भी अच्छा होता है। और साथ में ही इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हम पहले भी स्टफिंग में डाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। एक बार में डालने से क्या होता है, इसमें लम्स पड़ जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसे मिलाते हुए इसका हम घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसका हम घोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आपको मैं इसका कंसिस्टेंसी उठाकर दिखाती हूँ।
तो ये देखिए आप देख सकते हैं पास से, तो इसी तरह का इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो अब इसको हम घोल को साइड में रख देंगे और यहाँ पर जो हम आलू के स्टफिंग बना के रखे थे उसको हम एक बाउल में निकाल लिए थे, अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम यहाँ पर ले लिए हैं 2 क्यूब चीज़ का और अब इसे हम ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप इसमें चीज़ के जगह पर पनीर डालना चाहते हैं तो पनीर भी डाल सकते हैं, या आप बिना पनीर और चीज़ के बनाना चाहते हैं तो बिना पनीर और चीज़ के भी बना सकते हैं। और ये देखिए चीज़ को हम ग्रेट कर लिए हैं और इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिला लेना है और ये लीजिए हम इसे मिक्स कर लिए हैं। तो अब इसमें से थोड़ा सा हम मिक्सर लेंगे और इस तरह से मुट्ठी में रख कर घुमाते हुए इसे हम लड्डू के शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हम सारे बॉल को पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब के बटन दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसे जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरा वीडियो को कितना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बॉल को बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर ले लेंगे प्याज। जो प्याज को हम इस तरह से पीसेस में निकाल के रखे थे ना, उसमें से एक पीस लेंगे और इसमें हम एक बॉल को डाल लेंगे और दूसरा प्याज के पीस को लेंगे और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाता है। तो एक हम प्याज को तैयार कर लिए हैं और दूसरा भी आपको बनाकर दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से हम एक प्याज के पीस लेंगे और इसमें हम एक बॉल डाल लेंगे और ऊपर से हम दूसरा प्याज के पीस से कवर कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक प्याज बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हम सारे प्याज को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर ले लेंगे ब्रेड। तो यहाँ पर हम व्हाइट वाला ब्रेड लिए हैं और आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक बाउल में पानी और इसमें से एक ब्रेड के स्लाइसेस को लेंगे और इस पानी में डालकर इसे अच्छे से डीप कर लेंगे। ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना है, बस एक बार डालकर इसे निकाल लेना है और इसके बाद हथेली पर रखकर इस तरह से दबाकर इसका सारा पानी अच्छे से निकाल लेना है। तो ये देखिए इसका हम सारा पानी अच्छे से निकाल लिए हैं और अब हम जो प्याज बना के रखे थे ना, उसमें से एक प्याज लेंगे और ब्रेड के सेंटर में डालकर, यानी कि बीच में डालकर इस तरह से इसे कवर कर देंगे अच्छे से ब्रेड से प्याज को, और इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे हम घुमाएंगे और इसको लड्डू के शेप दे देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा शेप आ गया है, आप देख सकते हैं कहीं से भी प्याज नहीं दिख रहा है, अच्छे से ब्रेड से कवर हो गया है। तो इसी तरह से हम आपको दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो एक ब्रेड लेंगे और इसे पानी में डिप करेंगे और निकाल कर इसे अच्छे से हाथों से दबा कर इसका पानी निचोड़ लेंगे, यानी कि पानी निकाल लेंगे। और एक प्याज लेंगे ब्रेड के सेंटर में डालकर इस तरह से ब्रेड से अच्छे से प्याज को कवर कर देंगे और इस तरह से दबाते हुए इसे घुमाएंगे, तो इस तरह से ये बॉल के शेप में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका शेप आ गया है, अच्छे से प्याज कवर हो जाता है क्योंकि ब्रेड गीला रहता है। और इसी तरह से हम सारे बॉल को बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं गैस के तरफ। तो यहाँ गैस पर एक कढ़ाई में हम तेल गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिए थे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस के फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और यहाँ पर जो हम घोल बनाए थे उसे ले लेंगे और इसमें हम इस बॉल को डालकर घोल में अच्छे से डीप कर लेंगे और अब हम इसे सावधानी से तेल में डाल देंगे। तो इसी तरह से बाकी सारे बॉल को हम घोल में डालकर अच्छे से डीप करेंगे और इसे सावधानी से तेल में डाल देंगे। एक बार में जितना तेल में आ सकता है उतना डाल लेना है और गैस की फ्लेम ध्यान रखें मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। डालते ही इसे नहीं पलटेंगे, डालने के थोड़ी देर बाद यानी कि 1 से 1.5 मिनट के बाद इसे हम इस तरह से एक एक करके पलट लेंगे और पलट कर इसे हम दूसरे साइड भी पकने देंगे। तो इसी तरह से सारे बॉल को हम पलट लिए हैं और इसे थोड़ी देर इसी तरह से पकने देंगे और थोड़ी देर के बाद इसे हम फिर से पलट लेंगे, यानी कि इसे हम अलटते पलटते हुए सभी साइड गोल्डन कलर होने तक, यानी क्रिस्पी होने तक पका लेंगे।
तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, यानी क्रिस्पी हो गया है। तो इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। इसके बाद इसे हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार है। ये खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एक पीस आपको मैं कट करके दिखाती हूँ, अंदर से पूरा स्टफिंग भरा हुआ है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।